सोमवार का दिन राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी का रहा। सभी राजनीतिक पार्टियों ने आज का ही दिन चुना था नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए। कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी, भाजपा से जनार्दन मिश्र तो बसपा से विकास सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच मारतंड स्कूल की ओर से बनाए गए रास्ते पर से गुजरकर प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इस रास्ते से कलेक्ट्रेट परिसर में जाने के लिए प्रत्याशियों सहित केवल 5 लोगों को प्रवेश देना था। हुआ भी कुछ ऐसा, लेकिन सभी के लिए नहीं। सबसे पहले मारतंड स्कूल में काफिले ने प्रवेश किया। भाजपा का झंडा बैनरों के साथ बारात की शक्ल यह जता रही थी, हम चुनाव जीत रहे हैं। कुछ ऐसा ही दावा था भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन मिश्र का। आइए सुनते हैं जनार्दन मिश्र ने हमसे बातचीत में क्या कहा। स्थितियां इस बार है देश को बचाने और देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली दो विचारधाराओं के बीच है। मैं समझता हूँ कि रीवा की जनता देश की पक्ष में वोट करेगी। इसमें किसी व्यक्ति के जीतने हारने का सवाल नहीं है, सवाल दो विचारधाराओं का, देश एक रहेगा कि नहीं रहेगा। और रीवा के लोग तो देश की एकता के लिए यहाँ शहीद हुए हैं। लोग शहीदों की जन्मस्थली है, क्रांतिकारियों की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, वो सब इसी परंपरा के अनुसार पूरा लोग करेंगे। जिले की 8 विधानसभा सीट जिताने वाले राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री, भी जनार्दन मिश्रा का फॉर्म भरवाने आए थे। जनता के उत्साह से अभिभूत राजेंद्र शुक्ल से भी हमने बात की। लोकसभा का चुनाव एक तरफा है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कैसा माहौल है यहाँ। और मोदी जी के पक्ष में पूरे देश में एक लहर है, और 23 मई को जब चुनाव परिणाम निकलेगा तो लोग, उस देश के लोग कहेंगे कि ये लहर नहीं थी, ये सुनामी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कलेक्ट्रेट के अंदर पर्चा दाखिल करा रहे थे। भारी भीड़ छाया खोज रही थी, प्रशासन के इंतजाम जारी थे, छोटे छोटे टेंट लगाए जा रहे थे। हमारे रिपोर्टर अनिल त्रिपाठी ये सब देख रहे थे। 5 लोगों वाले बनाए रास्ते में भाजपा जिला अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखाया गया। यहाँ पर जिम्मेदार पुलिस अफसर मौजूद थे, शायद वो सत्ता के पास रहने के सारे रास्ते जानते थे। कैसे ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी दिखाते हैं प्रशासनिक अमले के बैठने और आम आदमी के बैठने के इंतजाम। शहर की प्रथम महिला धूप में खड़ी रही, जनता धूप से बचने के इंतजाम खोजती रही, प्रशासनिक अमला आराम से छांव में बैठा रहा। अभी आचार चुनाव संहिता चल रही है देश में, और जो कुछ व्यवस्था होती है वो प्रशासन के दृष्टिकोण से होती है, और उसके प्रमुख होते हैं जिले के कलेक्टर। और ये तो कलेक्टर महोदय को सोचने का विषय है कि वो कैसी व्यवस्था कर देते। आप शहर की प्रथम नागरिक हैं, भाजपा की सीनियर महिला लेडी हैं, तो कम से कम इतना तो सम्मान करना चाहिए, कम से कम छाया का इंतजाम तो करना चाहिए। जबकि चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि जहाँ पे फॉर्म भरा जाए वहाँ पे बाहर पंडाल लगाए जाए, जो भी सीनियर लीडर्स हैं या उनके लिए धूप छाव, धूप का सोफे भी खाली है, वहाँ सोफे खाली पड़े हुए। तो अंदर जाने की व्यवस्था शायद 5 या 6 लोगों की होती है, वो तो मेन गेट से अंदर है। आप लोगों को यहीं से रोक दिया गया क्या? हाँ, हम लोगों को यहीं से रोका। कांग्रेस बसपा की रैली आगे पीछे ही मारतंड स्कूल परिसर में पहुंची। भारी हुजूम, यूं कहें तीनों पार्टियों में बराबरी का मामला, काफिले में कोई भी कम नहीं। बसपा को सपा का साथ मिला यह दिखाई भी पड़ रहा था। बसपा प्रत्याशी 5 लोगों वाले डग हाउस में काफी देर खड़े रहे, उनका फॉर्म फोटोकॉपी के लिए जो गया था। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने अंदर चले गए, रह गए राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल। बैठने की जगह तलाशी, लेकिन बैठने का इंतजाम केवल प्रशासनिक अफसरों के पास था। सो वे चुनाव आयोग को दुहाई देते वापस लौट गए। पहले लगाइए, अभी आप पर्चा भरवाने अपने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन आप अंदर से बाहर क्यों आ गए? नहीं, अंदर से बाहर नहीं आए हैं, अंदर गए नहीं है। अंदर गए नहीं है, यहाँ पर बैठने का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। प्रशासन ने अपने लिए बैठने की बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, जबकि यहाँ पर VIPs का लगातार आना जाना नामांकन की बहुत। लेकिन ये निश्चित रूप से जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का नियम है, कायदा है, उसका हम सम्मान करते हैं, सबको सम्मान करना चाहिए। 5 आदमी से नहीं जाएंगे, लेकिन ये प्रोटोकॉल है प्रजातंत्र में, प्रोटोकॉल खत्म नहीं होता है। अगर माने वहाँ नहीं तो जहाँ कहीं भी लोग व्यवस्था हो, वहाँ बैठने की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी के, किसी भी दल के, उनका अपने एक स्थान है। ठीक है, वहाँ नहीं जाने दें, बात समझ में आती है। सुबह से टेंट नहीं लगे थे, अभी जब आप लोग जब आए उसी समय टेंट लगाए जा रहे हैं,
तो प्रशासन को ये इंतजाम तो पहले से करना चाहिए था। इसे तो उससे पहले से करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं प्रशासन को अंदाज नहीं था कि उनको ये था कि कोई आएगा नहीं, पता नहीं जो रहा है तो जवाब प्रशासन दे सकता है, लेकिन व्यवस्था पहले से होनी चाहिए था। क्या आपको लगता है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी पूर्ववत वही 15 साल वाले रवैये पे चल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा है जो आदत हो जाती धीरे धीरे छूटती है। अधिकारी अपने जल्दी से तो स्थान छोड़ ही नहीं सकते। थैंक यू। अब बात आ गई मंत्री कमलेश्वर पटेल और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, बबीता साकेत और विद्यावती पटेल की। मंत्री जी के साथ डग हाउस में बैठने का मौका मिला। सुखेंद्र सिंह को बाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी वहां पर बैठे नजर आए, जबकि धूप हिस्से में आई बबीता साकेत और विद्यावती पटेल के। शायद वो अभी तक कांग्रेस के पावर को समझ नहीं पाई, तभी छांव की तलाश में बसपा के खेमे में एक बार टहलती दिखाई दी। तभी कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी पर्चा दाखिल कर बाहर आ गए। युवा जोश उत्साह बता रहा था, मुझे कमजोर मत समझो। एक ठोस विजन छिंदवाड़ा मंडल की बात की कांग्रेस प्रत्याशी ने। उनका कहना था, मेरा विजन बिल्कुल तय है, भाजपा के कामकाज उनकी विफलता मेरी सफलता। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने। पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि ये मेरा परिवार, ये कोई हमारी राजनीतिक रैली नहीं है, राजनीति हमारे परिवार में हमेशा लोक नीति रही, तो ये वही प्रेम है। चूंकि मैं इन सबका बच्चा हूँ, सबका बेटा हूँ, तो सब प्रेम देना अपना आए हैं देने के लिए। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं बहुत नाराजगी है। हमारे जो सांसद है जनार्दन मिश्रा जी, 5 साल पहले इनको 1,65,000 मतों से जनता ने जिता कर बाहर आ गया, केंद्र में इनको क्लियर सरकार दी, 282 सीटों की सरकार दी। जल्दी इनको हमने प्रदेश में 165 विधायकों 170 विधायकों की इनको सरकार दी शिवराज सिंह चौहान के तौर पे। 5 साल पूरे हो गए, लेकिन आदरणीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी को 5 पैसे का काम करने का टाइम नहीं मिला, ना कोई बड़ी योजनाएं लेकर के आए। ये इन्होंने एक ऐसा मौका खो दिया है रीवा को कि इन 5 सालों में रीवा को इन्होंने 30 साल पीछे कर दिया। आप युवा प्रत्याशी हैं, क्या किस नजरिए से आप देखते हैं? एक तरफ भाजपा का यहाँ पर कद्दावर नेता और दूसरी तरफ आप युवा। हाँ, मैं तो भाई तो युवा और नवजात भी हूँ, कोई नेता भी नहीं हूँ, इन सबका मैं बेटा हूँ। और मैं जो करने वाला हूँ रीवा के लिए और जो मैं करूँगा, हमारे पास ये एक ईश्वर प्रदत्त एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हमारे पास एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका पूरा का पूरा जीवन विकास पे आधारित रहा है, और यहाँ से जो उन्होंने टिकट दी है, चुनाव भी वो लड़ रहे हैं, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, एक चेहरा हूँ। ये जो टिकट है, जो पहली बार शायद रीवा में एक 35 वर्ष के लड़के को सांसद का टिकट और पार्लियामेंट लड़ने का टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी से, ये मेरा नाम तो है, लेकिन ये जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये उन 65% युवाओं को किया है जो रीवा में और देश में है। कांग्रेस को वोट क्यों? एक नहीं हजारों मामले गिना डाले प्रदेश के कबीना मंत्री कमलेश्वर पटेल ने। भाजपा ने जो कहा वह किया नहीं, आप भी सुनिए मंत्री कमलेश्वर पटेल को। हमारे पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में वक्त है बदलाव का। नजरिया पूरे नौजवान हो, माता बहन हो, किसान हो, और हर वर्ग के लोग महसूस कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। अगर हम देश का आत्मसम्मान चाहते हैं, देश की इज्जत बचाना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार सृजन करना चाहते हैं, गरीबों को न्याय देना चाहते हैं, किसानों को न्याय देना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कोई दल नहीं है। आपने देख लिया जुमलेबाजों का भी 5 साल, कितनी जुमलेबाजी की उसमें से आप पूछिए क्या किया, एक भी काम नहीं किया देश के प्रधानमंत्री ने। ठग विद्या में माहिर मोदी जी ने सिर्फ देश की जनता को ठगने का काम किया है, और पिछली बात तो अब कर ही नहीं रहे, हम नई नई बातें कर रहे हैं। जिनका देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से ले के देश को आज़ादी दिलाने से ले के किसी भी पहलू पे देश के लिए लड़ने वालों में से ये लोग नहीं थे। आज वो देश रक्षा की बात करते हैं, राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, ये सब थोड़े समय के लिए, ये वोट की राजनीति है। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब नहीं छोड़ा, हर बार इनके घोषणा पत्र में भगवान श्री रामचंद्र जी आ जाते हैं, धारा 370 हटाएंगे आ जाता है, समान आचार संहिता कानून लागू करेंगे आ जाता है, हम 30 सालों से देख रहे हैं, पर तारीख नहीं बताते कि कब हम लागू करेंगे। जब इनके देश में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, पर ये इनका चरित्र दर्शाता है कि ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। कहाँ इनका स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बता दें,
कोई स्मार्ट सिटी नहीं, कोई स्मार्ट विलेज नहीं, कोई डिजिटल इंडिया नहीं, सिर्फ नारों से सरकार थोड़ी चलती है। सिर्फ इन्होंने नारे दे के देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। पहले चाय वाले बने, फिर पकौड़े वाले बने और आज चौकीदार बन गए हैं। और एक चौकीदार था तब 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार प्रतिवर्ष नहीं दिया। जब एक चौकीदार था तो अच्छे दिन नहीं लाए। जब एक चौकीदार था तो किसानों की आय दुगनी नहीं की। एक चौकीदार था तो 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए। एक चौकीदार था तो देश की यात्री सुरक्षा किस तरह की थी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पुलवामा जैसी घटना का उदाहरण बहुत बड़ा है। तो जब सारे चौकीदार हो गए तो इस देश का क्या होगा? न महंगाई कम हुई। जो जो बातें इन्होंने कही थी एक भी बात पे ये लोग कारगर नहीं हुए। चाहे डीजल का दाम हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, सब दोगुने हो गए। फिर ये क्या कह के वोट मांगेंगे? जनता इनसे सवाल करेगी, इनका सफाया होगा पूरे देश में। और मुरली मनोहर जी की जोशी जी की चिट्ठी तो आप लोगों ने अध्ययन कर ही लिया होगा। उन्होंने क्या बताया, सच्चाई उन्होंने उजागर कर दी है। तो जो अभी पहले चरण में चुनाव हुआ है उसमें ये 1% भी सीटें नहीं जीत रहे हैं। तो आगे जो चुनाव होगा उसमें इनका पूरी तरह से सफाया हो गया और जहाँ से शुरू हुए थे वही उसी संख्या में आने वाले हैं। कांग्रेस का काफिला निकला पर्चा दाखिल करके। निकले बसपा प्रत्याशी विकास सिंह, जिनका साफ तौर से कहना था बसपा में नेता नहीं कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, रीवा के विकास के लिए बहुत कुछ करना है। कहना था विकास का अपार जन समर्थन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, क्या चौथी बार भी यहां पर बसपा का कब्जा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने देखा होगा आज हमें यह एहसास दिलाया कि हम लोग कमजोर नहीं, हम लोग आज के डेट पे नंबर एक पे, बीजेपी और कांग्रेस दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ मिशन और मूवमेंट भी है, और लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना और अपने हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार को बचाना और हमारे किसान भाई को उनके फसल का उचित मूल्य दिलाना, गरीब मजदूरों को उनको रोजगार दिलाना और जो किसानों को उचित मूल्य दिलाना और युवाओं को रोजगार दिलाना और जो बीजेपी कांग्रेस के कुशासन को हम लोग लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा गैस सिलेंडर और प्रधानमंत्री आवास योजना जो बीजेपी कांग्रेस वाले चला रहे उज्ज्वला वगैरह, तो सिलेंडर तो दे दिया लेकिन हमारे बहुत से साथी यहाँ पे मौजूद भी होंगे, उनसे पूछिए कि जब सिलेंडर मिला उसके बाद उनने साल में कितनी बार भराया, उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सब लड़ाई है। और 1.5 लाख रुपए में आप भी कैसे एक कमरा मकान बना लेंगे? वो भी पूरा पैसा नहीं मिल रहा, उस पर भी कमीशन जो है कमीशन लोग ले रहे हैं। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार है। और रीवा जिले के आप देख रहे हैं कि मैं 5 साल में कभी काम बंद ही नहीं हो रहा, कभी ये सड़क खोद रहे हैं, कभी ये सड़क, कोई योजना नहीं है इनकी। और यहाँ से हनुमाना पाप पूरे 15 साल में जा कर के रोड अभी बनी, वो भी ठीक ढंग से नहीं बनी। और चाक घाट से लेकर के मनगवा तक आप लोग देख ही रहे हैं, अब पूरे 7-8 साल से जो है उस पर टोल प्लाजा चालू है और रोड नहीं बनी है और वसूली चालू है। तो और नहरों का काम भी इसी तरीके का, अभी हमारे त्योंथर तराई अंचल में अभी इसी साल बरसात में नहर टूट गई थी सुहागी पहाड़ के नीचे। तो ये सब स्थानीय मुद्दे हैं, इसी के साथ यही सब लेकर के हम लोग जनता। बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ के बहुत सारे लोगों ने बाहर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया, क्या आपको नहीं लगता कि आपका जनाधार कुछ कमजोर हुआ था? बिल्कुल नहीं, नेता गया, कार्यकर्ता साथ में है और सारे लोग अब जनता है, नेता तो आते जाते रहते। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आपको जनता यहाँ की चुनती है, शासन बनाती है? भय भूख और भ्रष्टाचार से पहले मुक्त करना और युवाओं को रोजगार और किसानों को उनके उचित मूल्य और जो भी यहाँ स्थानीय मुद्दे उन सबको हम दूर कर देंगे। और कोई बोलेगा? आप लोकल हैं? लोकल उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे थे बसपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राम सखा।
तो डंगे के चोट में हम ही चुनाव जीतेंगे और कल भी जीतेंगे और बीजेपी कांग्रेस से कहीं लड़ाई में है ही नहीं। आपके सारे लोग जा चुके हैं दूसरे? अरे वो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे कचड़े, जब कचड़े बाहर निकल जाते हैं तो अपने आप दर्द दूर हो जाता है। ये दर्द बने हुए थे, सिर दर्द थे, निकल गए, सब ठीक हो गया। ठीक।